हुकूमत थी, फिर भी जनता का कभी निरादर नहीं किया, जनता का हमेशा आदर किया। आते थे आपके बीच, गाड़ी चला के आते थे, पैदल चल के आते थे, ये ताम झाम लेके नहीं आते थे। आते थे आपके घरों में जाते थे, आप डांट देते थे, आप कह देते थे हमारी सड़क नहीं बनाई, वोट नहीं देंगे, आपकी बात मानते थे, मदद करते थे। आपके बीच में अगर संकट होता था एकदम आते थे, बाढ़ होती थी आ जाते थे। जो समस्याएं देखी उन्होंने आपकी, सुलझाने की पूरी कोशिश हुई। और आज हमारे प्रधानमंत्री 10 साल बीत गए, जनता के बीच नहीं आते, दूर से रोड शो करते हैं, ऐसे हाथ हिलाते, जनता उधर है, छू ही नहीं पा रही है, पास नहीं आ पा रही है, समस्या क्या बताएगी? जनता के आंसू पोंछते हुए आपने एक भी बार देखा है उनको? एक भी बार 10 सालों में किसी के पास चले गए कि भाई समस्या क्या है, गरीब हो, दुख क्या है, मैं प्रधानमंत्री हूं, किस तरह से सुलझाऊं तुम्हारी समस्या है? एक भी बार नहीं किया है, एक भी बार नहीं किया है। और आपने यहाँ अमेठी में वो परंपरा डाली थी कि प्रधानमंत्री भी जानते थे, काम करके आए आपके सामने। आप जितना भी प्यार देते थे, महिलाएं बोलती थी भैया हम प्यार देंगे आपको लेकिन वोट नहीं देंगे, हमारे खंभे पे बिजली का तार नहीं खींचा तो, नाराज नहीं होते थे वो। आज आप एक चीज के लिए आवाज उठाते हैं, आपको दबाया जाता है, धमकाया जाता है। शिक्षा मित्र प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ में जब मैं थी एक बार उधर, कह रही थी कि मेरा हमारा मानदेय बढ़ा दो, बस इतना ही कहना था, मौन प्रदर्शन था। बैठी थी किसी पार्क में, पुलिस आई, लाठी मारी, रासुका की केस लगा दिया उन पे। क्यों, क्या बात है कि आज की राजनीति इतनी बदल गई है कि जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है नेता की? मैं बताती हूं, क्योंकि ये सोचते हैं कि जब चुनाव आएगा तो मौके पर हम धर्म की बात कर लेंगे, हम जनता के जज्बातों को उभारेंगे, मंदिर मस्जिद की बात कर लेंगे, हिंदू मुसलमान कर देंगे चुनाव, हमें वोट मिल जाएगा, हमें सत्ता मिल जाएगी और बात वहीं पे खत्म हो जाती है, जवाबदेही वहीं पे खत्म हो जाती है। क्योंकि पूरे समय सिर्फ आपके जज्बातों का इस्तेमाल होता है। मैं बघेल जी से बात कर रही थी, मंत्री थे वो, मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, लखनऊ आए थे जब मैं यूपी में काम कर रही थी, कुछ व्यापारियों से मिले, मैंने पूछा मीटिंग कैसी रही, कहते मीटिंग तो अच्छी थी लेकिन एक अनोखी चीज है यहाँ यूपी में। मैंने कहा क्या, कहते कोई कुछ काम नहीं पूछता। तो मैंने कहा मतलब, कहते देखिए मैं छत्तीसगढ़ में काम करता हूँ, अगर मैं व्यापारियों से मिलता हूँ तो व्यापारी कहते हैं कि हमें ये चाहिए, ऐसा करिए ऐसा करिए, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ नहीं कह रहे हैं। तो मैंने कहा क्या वजह है इसकी बघेल जी, आपने क्या सोचा है? कहते वजह तो एक है कि राजनीति में जवाबदेही यहाँ खत्म हो गई है, क्योंकि हर चीज का जवाब सिर्फ एक ही है, जज्बातों को उभारो, धर्म की बात करो, बहनों के घर जाओ, दुर्दुरिया कराओ, वचन दिलवाओ भगवान के नाम की, भाजपा को वोट दोगे तो नेता समझ गया है, काम करूं ना करूं किसी ने पूछना नहीं है, चुनाव आएगा धर्म के नाम पे वोट मिल जाएगा। तो इस प्रथा को बदलना है, क्योंकि जब तक ये बदलाव नहीं लाएंगे आप, तब तक आपका काम नहीं होने वाला, तब तक किसी तरह से देश की पूरी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को जाती रहेगी। ये टीवी वाले चैनल, ये मीडिया सारा खरीद रखा है इन्होंने, आपको सच्चाई दिखेगी भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि असलियत क्या है। आज आप टीवी चलाएंगे तो आपको लगेगा कि देश में भगवान जाने कितनी तरक्की हो रही है, 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 10 सालों में मोदी ने कर लिया है, यही दिखता है आपको। और आपके जीवन में क्यों नहीं दिख रही है तरक्की? मेरी बहनें दुकान जाती है कुछ खरीद क्यों नहीं पा रही है? किसान भाई खेती करते हैं पूरे दिन पूरी रात, पहरेदारी करते हैं खेतों की, कमा क्यों नहीं रहे? नौजवानों के पास रोजगार क्यों नहीं है? ये जो आपको टीवी पे दिख रहा है, बड़ी बड़ी होर्डिंग पे दिख रहा है, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, ये आपके जीवन में क्यों नहीं उतर रहा, कभी आपने पूछा है अपने आप से? क्योंकि हो ही नहीं रहा है।
झूठ बताया जा रहा है आपको, आपको झूठे सपने दिखाए जाते हैं। 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार बन जाएंगे। क्या हुआ, क्या बना? किसान की आमदनी दुगनी हो गई है, आधी हो गई है इनके राज में। कोई कमा नहीं पा रहा है, रो रहा है किसान, रात को नींद नहीं आती, बैठना पड़ता है खेतों में। तो कहां है आपकी सुनवाई इस सरकार में? समझ लीजिए, सुनवाई जब आएगी जब आप जागरूक बनेंगे, सुनवाई जब आएगी जब आप नेताओं को जवाबदेही बनाओगे। हमको भी बनाओ, हम कहते हैं किशोरीलाल शर्मा को लाए हैं आपके सामने, प्रत्याशी बना रहे हैं, इनको जिताया, इन्होंने काम नहीं किया तो पूछो इनसे। तो हम कह रहे हैं आपको कि हम जवाबदेही चाहते हैं, हम एक मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं, हम आपके अधिकारों को मजबूत करना चाहते हैं, हम आपकी संपत्ति को आपके हाथों में डालना चाहते हैं। किशोरी जी आपके प्रत्याशी हैं, आप इनको भारी बहुमत से जिताइए। 40 सालों से इन्होंने आपकी सेवा की है, जितनी समस्याएं थी यहाँ जो राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी ने हल की, वो इनके जरिए इनके इन्होंने मदद की। आप हमें दरखास्त देते थे, हम इनको दरखास्त देते थे, ये आते थे आपके पास कि क्या समस्या है, कैसे हल करनी है। हो गए 10 बज गए। तो इन्होंने 40 साल आपकी सेवा की है, ये कोई घमंड नहीं लाएंगे आपके पास, कोई मंत्री का अहंकार नहीं है इनमें, ये आपकी तरह साधारण व्यक्ति हैं जो आपके बीच घुल मिलकर आपकी समस्याओं को समझेंगे, दिन रात आपके लिए काम करेंगे। आपने सही और सच्ची राजनीति अपने क्षेत्र में देखी है, दशकों से देखी थी। ठीक है, एक बार गुमराह कर लिया झूठ बोल बोल के किसी ने, अपनी गलती ठीक कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। अभी भी आपको एक ऐसे सांसद मिल सकते हैं जो दिन रात आपके लिए काम करके दिखाएंगे। वही सच्ची राजनीति, वही सभ्य राजनीति, वही सेवा की राजनीति फिर से अमेठी क्षेत्र में स्थापित करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और माफी चाहती हूँ कि देर हो गई। जय हिंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।